एंटेंसिल बचे हुए थे ये। अब देखते हैं ये कितना अपना हुनर दिखा पाते हैं ये बच्चे। पापा कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, कर लिया नाश्ता, क्लेम आ जाएगा। और हमारी जैसे कि पूजा हो चुकी है और हम जा रहे हैं छत पे। अब हम जा रहे हैं छत पे रोलर वगैरह लेके। ओ इसमें मत फिरा, कुछ हो गया तो। हाँ इसमें फिरा दो, ये भगभूरा कर दे। नहीं इसको टाइसन की तरह कर दे, कल्लू भल्लू। चल तो इसे जल्दी कर, चलो टाइसन को ही वाइट कर दो भाई। 12-13 साल मतलब कितने साल का हो गया, 7 साल का टाइसन। हाँ तो उसका भी तो एक बार वो होना चाहिए, उसका भी रिनोवेशन करवाओ। बाल्टी ले जाते हुए ऊपर। हाँ चलो, हाँ देख ले धूप में बैठा है, इसको ज़्यादा सीत खा रहा है, गर्मी के मारे हालत ख़राब हो रही है। पंखा चला रहे हैं लोग, ये धूप में पड़ा है। इसमें छपेगी, इस दीवार को इन्हें बनाना है, साफ नहीं है वो छपरी। इसमें कर दिया है हमारे पेंटर ने ब्लैक ब्लैक सा कलर, कुछ ग्रे सा कलर। अंधेरा लग रहा है, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है डिप्रेशन वाला। हाँ डिप्रेशन वाला सही है मम्मी। चलो देखिए, जैसे कि हम कड़क धूप में जो भी है हम कर रहे हैं इसमें काम। ऐसे नहीं करते, छोड़। अभी तीन वो हुए ना, तीन हुए हैं, अभी दो तीन और बाकी हैं। देखिए नंबर नंबर से, मैं भी करूँगी इसमें छापूंगी। मैं भी छपरी बनाना चाहती हूँ इस दीवार को। कितना ईजी लग रहा है ना, कितना आसान काम है ना। ये तो तुम मुझे कह रहे थे उस पेंटर से क्यों करा दियो, तभी तो वो यहाँ पर अलग करके नहीं गया। फ्रेंड्स उनको एक तरह से मतलब डेकोरेशन भी करना है, एक तरह से उनको अच्छा भी लग रहा है। मैं सोच रही हूँ उनको यही काम दे दूँ और पूरे दिन उनसे कुछ ना करवाऊँ, पूरे घर में छपरी बनवा दूँ। देखो कितनी अच्छी लग रही है दीवार। चलो मैं छिटा, इनके अनुमान भी पूरे हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारे पेंटर थे ना, पेंटर जो था उसने इनको कुछ नहीं करने दिया, उसने अपनी कारिस्तानी करी है सब जगह। अब ये अपनी कारिस्तानी कर रहे हैं, देखने में भी बराबर है क्या, देख ले उसमें ना लगे ऊपर। देख रहे हैं ये का डार्क है, नहीं ये कलर बना बना के देख लिए इन बच्चों ने। एक बार ये तो पीला तो है ही, उसमें पीला पीले में मिलाना है ना, तो नीला करना है। हाँ नीला कर लो, कौन सा नीला था वो वाला, ये वाला मिला लो उसमें, उसमें बाल्टी में मिलेगा, हाथ से मिलेगा। और ये हाथ से तो सारा घुल जाएगा, उससे मिल जाएगा ना, तो हाथ घुल जाएगा ना फिर मम्मी। सारा नहीं डालियो, मिला दे एक मिनट, थोड़ा सा बस गुट्टी 5-55 बस थोड़ा डाल देना है, ज्यादा हो गया ये, कम हुआ है। ये आसमानी कलर बनेगा, ले और ले डार्क डाल भाई। हाँ डाल दे, वाला कलर बन गया, डाल दे डाल दे बस बस डार्क करना है ना अब भी नहीं होगा। और कर डाल दे सारी, चल कर ये है और डाल तो सारे डाल दे भाई, ला दिखा ये भी दिखा, अच्छे से इसमें भर भर निकाल ले। बढ़िया फील कर रही है दीदी, चल चल बस
ये दिखेगा, ये तो ब्लू हो गया, ये तो ये वाला कलर हो गया। अच्छा वो कम था, ये ज्यादा ज्यादा है। ग्रीन वाला भी डाल दे, वो वाला जो भी करा था। फिर दूसरा कलर, कुछ अलग कलर बनेगा डार्क, देखो डाल दे। अरे ये तो ये वाला डालना, चलती सब देखियो उसमें, देख रहा चलो मिला उसमें, अरे मिला लो ये वाला ठीक रहा, अच्छा लग रहा था ना। धूप में कल्लो भल्लो हो जाओगे दोनों भाई। इन लोगों ने तो सोच लिया घर को छपरी बना के ही रहेंगे। जैसे कि आयुष भी आ गया है, आयुष सबको पानी पिला रहा है, जो मजदूर लग रहे थे हमारे घर में, एक वो मजदूर वो बैठा हुआ। कब तक हो पाएगा? मम्मी बहुत प्यास लग रही है। देखो ये तो डोलजी से ही पानी ऊपर को करके पी रखा है ना, डोलजी से मुंह नहीं लगाना। एक डोलजी पानी पी गई भाई। चलो फाइनली हमारी दीवार का काम कंप्लीट होने वाला है। आओ जल्दी फिर आया फटाफट, थोड़ा धूप में जा रहे हैं, फिर सीलक में बैठ रहे हैं आके। कुछ नहीं बोला मैंने, फिर कुछ नहीं बोला। और ये इतना सा पेंट था, थोड़ा सा पेंट था बस इसमें। इसमें क्या था? इसमें भी पेंट है, रहने दे, इसमें फिरोजी वाला है, जो फिरोजी हुआ है गेटों पे। हाँ कपड़े गंदे मत कर बेटा, कोई बात। और इसमें कर करके थोड़ा थोड़ा और कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बस पूरी दीवार हो जाए। सिरक में आ जा। जल्दी आ जाओ फटाफट, सीरक के काम है, शाम को करने चाहिए थे, अभी तो देख ही रहे हैं लोग, चले गए थोड़ा सा। ये टाइटन बैठा हुआ है, टाइटन अरे भैया इसको अच्छी सीट मिल जाए। बच्चे पूरी पूरी मेहनत कर रहे हैं और फल भी मुझे मीठा सा लग रहा है। मेहनत का फल, धूप में लगे हुए हैं बिना चाय पानी के। अरे ओए ओ, इन पेंटरों के लिए चाय बना के लाओ, एक एक बिस्किट का पैकेट, गुड्डे वाला, इनका गुड्डे हो जाए आज। देखो ये कैसी करी है छपाई यहाँ की, नहीं हुआ, सीधा है, सुधा है बिल्कुल। एक नीचे और लगा दो यहाँ पे, यहाँ पे और लगा एक। तो फ्रेंड्स करती हूँ अब इस व्लॉग का यहीं पे एंड, और व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और बच्चों ने पूरी पूरी मेहनत करी है छत को डेकोरेशन करने में, डेकोरेट करने में, ये जो छपाई का काम है। पूरी दोपहरी हो गई थी हमें, 3-4 बज गए थे हमें करते करते। और आपको व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ एक ज़रूर कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फ्रेंड्स देखिए कैसी लग रही है हमारी वॉल।